नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। ये पहले से ही कहा जा रहा था कि बिहार में जो उपचुनाव होने हैं ये 2020 का ट्रेलर होगा। आरजेडी ने महागठबंधन में अपने सारे घटक दलों को उनकी औकात बता दी। आरजेडी ने दो विधानसभा सीट पर बिना अपने महागठबंधन के नेताओं से राय मशविरा किए दो जगह अपना सिंबल दे दिया। महागठबंधन के घटक दलों में खलबली मच गई। मुकेश सहनी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मांझी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, सब लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। कांग्रेस से भी जब यह सवाल किया गया तो कांग्रेस भी बसती हुई दिखी। मैं आपको उनका बाइट सुनाऊंगा कि कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने स्टेप लिया है और आरजेडी के नेता का जो कहना है कि यहाँ पर बिहार में कैसे सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई जाए ये मायने रखता है, ना ही कि महागठबंधन में नेताओं को कितना सीट दिया जाए, क्या किया जाए, ये मायने रखता है। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वीआईपी और हम पार्टी, इनको जो भी तवज्जो दी है वो आरजेडी ने दी है, जबकि इनकी क्या हैसियत है विधानसभा क्षेत्र में वो सब कोई जानता है। तो एक तरह से कहा जाए तो आरजेडी ने महागठबंधन के सभी घटक दलों को उनकी औकात बता दी है और ये उपचुनाव में आरजेडी चाह रही है कि किसी तरह महागठबंधन के पाले में ये सारे के सारे सीट आए, इसको लेकर के कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जा रहा है। आइए पहले सुनते हैं मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा। देखिए, महागठबंधन बना था विचारों के आधार पर, और जो लोग महागठबंधन में शामिल हुए थे नए नए दल, उनको अच्छी तरह से पता था। ये आरजेडी की उदारता और महानता थी कि हमने लोकसभा में सभी दलों का सम्मान किया। मुकेश सहनी जी को भी 3 सीट मिली, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को भी 3 सीट मिली थी और कुशवाहा जी को भी 5 सीट मिली थी। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में सबसे बड़ा दल है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हमारे पास धरातल है, जो जमीन राष्ट्रीय जनता दल के पास है वो हमारे सहयोगी दल अपने मन से अगर हर बार ये तेवर दिखाएंगे और टिकट के लिए दबाव बना करके चाहेंगे कि वो सीट बर्बाद कर दिया जाए, हम जिताऊ उम्मीदवार देंगे। हम महागठबंधन के सभी दलों का पूरा सम्मान हमने किया है। जीतन बाबू मांझी जी की पार्टी को हम लोगों ने विधान परिषद में भेजा, उनके पुत्र को सहनी जी को लोकसभा में 3 सीट दिया। इसके बाद अगर कोई लोग महागठबंधन को कमज़ोर करने के लिए काम कर रहा है तो हम उनको पकड़ करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर अधिकार के प्रति महागठबंधन के जो दल हमारे साथ हैं और जो उम्मीदवार अपने घोषित कर रहे हैं, अगर आप अधिकार के प्रति सजग हैं तो अपना कर्तव्य भी निभाइए, कर्तव्य का भी पालन कीजिए। आपका धर्म कहता है कि हम चारों सीटों पर, राजद का परंपरागत सीट था, हमने चारों सीटों पर मजबूत उम्मीदवार दिया है, जिताऊ उम्मीदवार दिया है। अब बेवजह कोई बिना कारण आप उम्मीदवार थोप दें तो ये भगवान का प्रसाद नहीं है कि सब जगह बांटा जाए। हम लोगों ने ये नुकसान देखा है लोकसभा चुनाव में, इसीलिए दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक कर पिएगा। और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में एकलौती पार्टी है अभी जो अपने दम पर सरकार बना चुकी है। हम महागठबंधन के सभी दलों से अपील करते हैं, आप महागठबंधन को अपनी विचारधारा को तिलांजलि दे करके ऐसा कोई काम मत कीजिए, नहीं तो जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। भाई, राजद की मनमानी हम कहाँ कर रहे हैं, मनमानी तो वो लोग कर रहे हैं, मनमानी तो हम पार्टी और वीआईपी कर रही है। आप ये बता दें वीआईपी और हम पार्टी के लोग कि आपने कौन, इसके पहले कौन कौन सीट पर आप लड़े हैं चुनाव, इसके पहले कभी वीआईपी विधानसभा लोकसभा लड़ी थी, इसके बावजूद हमने 3 सीट दिया ना। इसके पहले कभी मांझी जी तो पहले थे जहाँ एनडीए में, वहाँ छोड़कर आए, हमने उनको सम्मान दिया, उनके पुत्र को विधान परिषद में भेजा ना। तो ये बेवजह का अनर्गल बयानबाजी से मीडिया में फेस ना चमकाए, ये बेबुनियाद आरोप लगा करके
इन लोगों को ये सोचना चाहिए सभी दलों को कि आप धरातल की सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं। मांझी जी सीनियर लीडर हैं, अनुभवी लीडर हैं, उनको पता है कि धरातल पर किसकी कितनी औकात है। जब अपना पूंजी रहता है तो बैंक भी लोन देता है, तो हमको कोई आंख ना दिखाए, सबको पता है सबकी राजनीतिक हैसियत क्या है बिहार में। तो अभी आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आरजेडी की मंशा रही है कि महागठबंधन धर्म को निभाया जाए और महागठबंधन अधिक से अधिक सीट पर जीते। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने भी आज अपना मीटिंग किया पटना के एनसीना इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद में पत्रकारों ने जब सवाल किया तो आइए देखते हैं कि उनके कद्दावर नेता लोग क्या कुछ कह रहे हैं। इधर मीटिंग हुई, अब कुछ पार्टी मुझे तो पता नहीं, अभी आप लोग ये कह रहे हैं कि सिंबल दे दिया, घोषणा कर दी। हमारे तरफ से कांग्रेस पार्टी की ओर से मदन मोहन झा जी और वीरेंद्र राठौर जी गए थे और वहाँ पर उम्मीद करता हूँ अगर किसी की कोई मजबूरी मंशा कुछ हो और नहीं हो तो लोकतंत्र सब लड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी क्या लग रहा है, बातचीत की गुंजाइश है? मुझे तो गुंजाइश का ऐसा है राजनीति में, गुंजाइश आखिरी वक्त तक बनी रहती। कौन घोषणा कर रहा है? वीआईपी ने घोषणा किया। टिकट के टाइम पे ये सब चलते रहता है, फिर हो जाने दीजिए, उसके बाद तभी से बात। लेकिन सर जब आपस में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव है तो कहीं ना कहीं तो उधर भी निकल रहा है, बीजेपी को एक भी सीट नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार, ये कहाँ नहीं चल रहा है? टिकट के टाइम में होता ही है, हर जगह होता है, तो कैसे चलेगा महागठबंधन? मजबूती से चलेगा। तो अभी आपने देखा कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा। शक्ति सिंह गोहिल जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने आगे का रास्ता खोलते हुए कहा, यहाँ तक कह दिया कि पार्टियाँ तो स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर महागठबंधन धर्म बचता है तो वैसी स्थिति में आरजेडी 2020 को लीड करेगी, इसमें कोई शक नहीं। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। पता चला है कि उपेंद्र कुशवाहा अभी आराम कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए निकल गए हैं, लेकिन जिस तरह से आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और हम जितने लोगों का बयान आ रहा है, महागठबंधन का टूटना तय है। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि चुनावी मैदान में कौन कौन पार्टियां उतरती हैं, लेकिन आरजेडी ने सभी पार्टियों महागठबंधन में सभी को अपनी औकात बता दी है। सहयोगी बंटी और धीरज के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना। बिहार झारखंड सहित देश विदेश की तमाम खबरों से अपडेट होते रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।